अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, आज हमारा साइंस का 8th लेक्चर है, यूनिट नंबर 3, लिविंग ऑन अर्थ। बुक पेजेस है 23 to 32 तक। आज हमने इस यूनिट की रीडिंग करनी है और एक्सप्लेनेशन करनी है। नाउ ओपन योर बुक, दिस इज योर बुक पेज नंबर 23। यूनिट नंबर 3 है लिविंग ऑन अर्थ, ज़मीन पर ज़िंदगी या ज़मीन पर जानदार। सबसे पहले हम अर्थ के बारे में पता कर लेते हैं। मैं आपको अर्थ के बारे में बता दूं कि आप जानते हैं कि ज़मीन पर बहुत से जानदार रहते हैं, जिस तरह से पौधे, जानवर और इंसान वगैरह। इन सब को ज़मीन पर ज़िंदा रहने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिस तरह से हवा, पानी, खुराक, पौधों को सूरज की रोशनी। इसके अलावा तमाम ज़िंदा चीज़ें हरकत भी कर सकती हैं, उनकी ग्रोथ भी होती है, वो खुराक खाती भी हैं। इसके अलावा उनकी सेंसेस भी होती हैं, वो सांस ले सकती हैं और रिप्रोडक्शन का अमल भी कर सकती हैं। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। लिविंग थिंग्स, जानदार अशिया मूव, हरकत करती हैं, ग्रो, बड़ी होती हैं, ईट, खा सकती हैं और टेक इन फूड, या हम ये भी कह सकते हैं कि खुराक अपने अंदर ले जाती हैं, फील, महसूस करती हैं, ब्रीथ, सांस लेती हैं एंड रिप्रोड्यूस, और अमले तौलीद कर सकती हैं, यानी रिप्रोडक्शन भी कर सकती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, जबकि गैर जानदार अशिया या बेजान अशिया इनमें से कोई काम नहीं कर सकती। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जानदार अशिया हरकत भी कर सकती हैं, उनकी ग्रोथ भी होती है, वो खुराक खाती भी हैं और सांस भी लेती हैं, जबकि गैर जानदार अशिया इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकती। मूवमेंट, हरकत। ऑल प्लांट्स, तमाम पौधे एंड एनिमल्स और जानवर मूव, हरकत करते हैं। तमाम पौधे और जानवर हरकत करते हैं। प्लांट्स मूव ओनली अ लिटिल, पौधे सिर्फ थोड़ी सी हरकत करते हैं। दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते। बट लेकिन देयर लीव्स और फ्लावर्स मे मूव, उनके पत्ते और फूल हरकत कर सकते हैं। इन डायग्राम्स में आपको स्टूडेंट्स प्लांट्स की मूवमेंट दिखाई गई है। द पेटल्स ऑफ द मॉर्निंग ग्लोरी ओपन ईच मॉर्निंग, मॉर्निंग ग्लोरी, फ्लावर की पेटल्स, उसकी पत्तियां सिर्फ सुबह के टाइम खुलती हैं, जैसा कि यहाँ आपको दिखाया गया है। सेकेंड है यहाँ पर, द सन फ्लावर टर्न्स इट्स फेस टूवर्ड्स द सन, के सूरजमुखी का फूल अपना चेहरा सूरज की तरफ कर लेता है। यहाँ पर आपको प्लांट्स की मूवमेंट दिखाई थी कि प्लांट्स किस तरह से हरकत करता है। इनकी हरकत बहुत थोड़ी सी होती है, ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते, लेकिन प्लांट्स के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ तरीके से हरकत करते हैं। एनिमल्स यूज़ देयर लेग्स, जानवर अपनी टांगें इस्तेमाल करते हैं, टू मूव हरकत करने के लिए, टू सर्च फॉर फूड खुराक की तलाश में, और टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज, और अपने दुश्मनों से बचने के लिए वो अपनी टांगें इस्तेमाल करते हैं। एनिमल्स विदाउट लेग्स, जानवर बगैर टांगों के क्रॉल और स्लाइड बाय मूविंग देयर बॉडीज, रींगते हैं और अपनी जिस्म को हरकत देते हैं। यानी जो जानवर टांगों के बगैर होते हैं वो रींगते हैं अपनी जिस्म के ज़रिए और हरकत करते हैं। सम एनिमल्स हैव विंग्स एंड कैन फ्लाई, कुछ जानवरों के पर भी होते हैं और वो उड़ सकते हैं।
Now turn your book page. This is your book page number 24 and 25. यहाँ कुछ डायग्राम्स दी गई हैं जिनमें आपको जानदार अशिया की हरकत के बारे में बताया गया है. जैसे अ हॉर्स गैलप्स, एक घोड़ा दिखाया गया है. ये देखें, कोई भी जानवर एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने के लिए अपनी टांगें इस्तेमाल कर रहा है. अ बर्ड फ्लाइज, एक परिंदा उड़ने के लिए अपने पर इस्तेमाल कर रहा है. देखें, अ सेंटीपेड क्रॉल्स, और एक सेंटीपेड जिसकी टांगें नहीं होती वो रेंगने के लिए अपनी बॉडी का इस्तेमाल करता है. अ बॉय वॉक्स, और एक बच्चा एक बच्चा चलने के लिए अपनी टांगों का इस्तेमाल कर रहा है. नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ, यानी नशोनुमा, बढ़ने का अमल. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, तमाम जानदार अशिया नशोनुमा करती हैं, नशोनुमा पाती हैं, बड़ी हो सकती हैं. दे गेट बिगर, वो बड़ी होती हैं. एंड दे चेंज शेप, और अपनी शक्ल तब्दील करती हैं. एज दे गेट ओल्डर, और फिर वो बूढ़ी हो जाती हैं. बेबी एनिमल्स बिकम अडल्ट, जानवरों के बच्चे बालिग हो जाते हैं. एज दे ग्रो दे बिगिन टू लुक मोर लाइक देयर पेरेंट्स, और जब वो बड़े होते हैं तो वो अपने वालिदैन की तरह दिखना शुरू कर देते हैं. जैसा कि इन डायग्राम्स में दिखाया गया है, फर्स्ट है अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट, कि एक बीज एक पौधा बन जाता है. ये देखें, सबसे पहले बीज था, उसके बाद ये ग्रोथ हुई उसकी और वो एक प्लांट की शेप में आ गया. अ डकलिन ग्रोज इनटू अ डक, और एक डक का बेबी जब बड़ा होता है तो वो बिल्कुल अपनी पेरेंट की तरह हो जाता है. अ बेबी ग्रोज इनटू एन अडल्ट, और जब एक बच्चा बड़ा होता है तो वो भी अपने पेरेंट्स की तरह दिखने लगता है. ग्रोथ के अमल में जानदार अशिया बड़ी होती हैं और अपने वालिदैन की तरह शक्ल सूरत में हो जाती हैं. नेक्स्ट टॉपिक है फीडिंग. विदाउट फूड एंड वाटर, बगैर खुराक और पानी के लिविंग थिंग्स वुड डाई, जानदार अशिया मर सकती हैं. सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, कुछ जानवर पौधों को खाते हैं. सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स, कुछ जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं. एंड सम ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, और कुछ जानवर पौधे और दूसरे जानवरों दोनों को खाते हैं. जैसे यहाँ नीचे डायग्राम दिखाई गई है, अ फॉक्स ईट्स मीट, कि एक फॉक्स गोश्त खा रही है. अ गोट ईट्स ग्रास, और एक बकरी घास खा रही है. अ कैट ईट्स नट मीट, बिल्ली भी गोश्त खा रही है. अ स्क्रल ईट नट्स, और एक स्क्रल नट्स को खाती है. एक गुलहरी नट्स को ईट करती है. यहाँ आपको कुछ जानवर दिखाए गए हैं जो कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को खाते हैं. कुछ जानवर पौधों को खा रहे हैं, कुछ जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं, और कुछ जानवर जानवर और पौधे दोनों को खाते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ्स विथ विच दे टेक इन फूड, जानवरों के मुख्तलिफ किस्म के मुंह होते हैं जिनसे वो खुराक खाते हैं. बर्ड्स यूज देयर बीक्स, परिंदे अपनी चोंच इस्तेमाल करते हैं टू ईट खाने के लिए. एंड ऑफन स्वेलो देयर होल फूड, यहाँ तक कि अपनी तमाम खुराक को निगलने के लिए वो अपनी चोंच इस्तेमाल करते हैं. बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, परिंदों के दांत नहीं होते. सम एनिमल्स यूज देयर टंग टू कैच फूड, कुछ जानवर खुराक उठाने या पकड़ने के लिए अपनी ज़बान इस्तेमाल करते हैं. फ्रॉग्स एंड लिजर्ड हैव लॉन्ग स्टिकी टंग्स, फ्रॉग और लिजर्ड की एक लंबी सी जबान होती है जो वो
अपनी खुराक पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी भी छोटे इंसेक्ट को पकड़ने के लिए. सम एनिमल्स यूज देयर टीथ टू टीयर, ग्राइंड एंड च्यू देयर फूड. कुछ जानवर खुराक को तोड़ने के लिए या उन्हें छोटे हिस्सों में तकसीम करने के लिए और चबाने के लिए अपने दांत इस्तेमाल करते हैं. प्लांट्स टेक इन वाटर थ्रू देयर रूट्स. पौधे अपनी जड़ों में पानी लेकर जाते हैं. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. सब्स पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं विद एयर, वाटर एंड सनलाइट. हवा, पानी और सूरज की रोशनी के साथ. सब्स पौधे अपनी खुराक बनाने के लिए हवा, पानी और सूरज की रोशनी या हरारत इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है फीलिंग. एनिमल्स फील इन डिफरेंट वेज. जानवर मुख्तलिफ तरीक़ों से महसूस करते हैं. मोस्ट एनिमल्स सेंस द वर्ल्ड अराउंड देम बाई यूजिंग देयर. कुछ जानवर अपने इर्द गिर्द की दुनिया को महसूस करते हैं बाई यूजिंग देयर आइज, नोज, स्किन, ईयर्स एंड टंग. अपनी आँखों, नाक, जिल्द, कान और ज़बान को इस्तेमाल करते हुए. एनिमल्स यूज देयर सेंस ऑर्गन्स. जानवर अपने सेंस ऑर्गन, अपने हिस्सियात को इस्तेमाल करते हैं टू सर्च फॉर फूड, खुराक को तलाश करने में एंड टू सेंस डेंजर, और ख़तरे का पता करने के लिए. प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स. पौधों के सेंस ऑर्गन्स नहीं होते. बट दे टू कैन फील. लेकिन वो महसूस कर सकते हैं. सम इंसेक्ट्स हैव फिलर्स. जैसे कि कुछ कीड़े मकोड़ों के फिलर्स होते हैं जिनसे वो महसूस करते हैं. द लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट क्लोज व्हेन टच्ड. इसी तरह मिमोसा प्लांट के जब लीव्स को टच करते हैं तो वो फील करते हैं और बंद हो जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीथिंग. ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स हैव नोज. इंसानों और दूसरे जानवरों की नाक होती है. दे ब्रीथ इन एयर. और वो सांस अपने अंदर ले जाते हैं. देखें, ये कुछ आपको एनिमल्स और कुछ बर्ड्स और इंसान दिखाया गया है, जिससे आपको पता चलता है कि इंसान सांस लेने का अमल किस तरह करता है. फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स. मछली गिल्स के ज़रिए सांस लेती है. अब हम इस बॉक्स को पढ़ते हैं. प्लांट्स ब्रीथ टू. पौधे भी सांस लेते हैं. दे टेक इन एयर. वो हवा को अपने अंदर ले जाते हैं. थ्रू वेरी टाइनी होल्स. बहुत ही छोटे सुराखों के ज़रिए. इन देयर लीव्स. जो कि इनके पत्तों में होते हैं. कॉल्ड स्टोमेटा. जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं. ये देखें, डायग्राम में आपको दिखाया गया है. ये लीव्स लीफ और इसमें छोटे छोटे से होल्स हैं जिनके थ्रू एक प्लांट सांस लेता है. नाउ टर्न योर बुक पेज. दिस इज़ योर बुक पेज नंबर 26 एंड 27. पेज नंबर 26 पर आपको कॉन्सेप्ट चेक दिया गया है. कंप्लीट दीज सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लिस्ट एट द एंड ऑफ ईच वन. फर्स्ट पॉइंट है हमारा डैश. लिविंग थिंग्स ब्रीथ. ऑल, सम, नो. राइट आंसर है ऑल. तमाम जानदार अशिया सांस ले सकती हैं. सेकेंड पॉइंट है फिश डैश थ्रू डैश. ईट ब्रीथ. फर्स्ट में आप क्या आएगा? ब्रीथ. फिश ब्रीथ थ्रू डैश गिल्स और फिन्स. तो राइट आंसर है गिल्स. फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स. मछली गिल्स के ज़रिए सांस लेती है. थर्ड पॉइंट है लीव्स टेक इन डैश थ्रू डैश. एयर, वाटर, स्टोमेटा, फूड. लीव्स टेक इन एयर. पत्ते हवा अपने अंदर ले जाते हैं, निसांस लेते हैं थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा के ज़रिए.
जो के पत्तों में छोटे छोटे सुराख होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन। हमले पैदाइश नस्ले तसलसल। एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वन। जानवर अपने जैसे जानदार को पैदा करते हैं। अदर एनिमल्स दूसरे जानवर सच एज बर्ड्स जैसे के परिंदे, रेप्टाइल्स रेंगने वाले जानवर एंड इंसेक्ट्स और कीड़े मकोड़े प्रोड्यूस एग्स अंडे देते हैं। इन दीज वेज इन तरीकों से एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड। इस तरीके से वो अपने ही किस्म के जानवर पैदा करते हैं। यहाँ कुछ डायग्राम्स दिखाई गई हैं। ये देखिए ह्यूमन का बेबी ह्यूमन जैसा, इसी तरह कैट के किटन्स, इसी तरह नेक्स्ट हैन है और उसके चिक्स हैं, नेक्स्ट एलिफेंट है और उसका बेबी भी बिल्कुल एलिफेंट जैसा है। मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, ज़्यादातर पौधे बीज बनाते हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स और नए पौधे इन बीजों से बनते हैं, ग्रो करते हैं यानी पैदा होते हैं या बढ़ते हैं। सम प्लांट्स कैन प्रोड्यूस बेबी प्लांट्स, कुछ पौधे छोटे पौधे पैदा करते हैं फ्रॉम देयर स्टेम्स अपने तनों के ज़रिए और लीव्स या अपने पत्तों के ज़रिए। इन दिस वे अडल्ट प्लांट्स प्रोड्यूस यंग प्लांट, और इस तरह से एक बालिग पौधा या एक बड़ा पौधा छोटे पौधों को बनाता है। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, नया पौधा बीजों के जरिए बनता है। जिस तरह से आपको डायग्राम में दिखाया गया है, फर्स्ट सीड था, नेक्स्ट स्टेप में उसकी रूट्स बनी, नेक्स्ट स्टेप में उसका आप देखें एक छोटा सा लीफ और एक स्टेम बन गई, और लास्ट वाले स्टेप में आप देखें वो एक पूरा प्लांट बन गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हैबिटेट्स। द प्लेस वेयर एन एनिमल और प्लांट लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। वो जगह जहाँ जानवर और पौधे रहते हैं उसे हैबिटेट कहते हैं। नेचुरल प्लेस ऑफ प्लांट्स और एनिमल टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए एन एनिमल नीड्स फूड वाटर एयर एंड शेल्टर। जानवरों को ज़रूरत होती है खुराक पानी हवा और सायदार जगह या अपने आप को छुपाने के लिए कोई जगह, उसकी ज़िंदा रहने के लिए इन सब तमाम चीज़ों की जानवरों को ज़रूरत होती है। अ गुड हैबिटेट प्रोवाइड्स ऑल ऑफ दोज थिंग्स, और एक अच्छा हैबिटेट एक अच्छा एनवायरनमेंट इन्हें ये तमाम चीज़ें मुहैया करता है। सम हैबिटेट्स आर स्मॉल, कुछ हैबिटेट्स छोटे होते हैं, एंड अदर्स आर लार्ज, और कुछ बड़े होते हैं। डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स लीव इन डिफरेंट हैबिटेट्स, मुख्तलिफ किस्म के पौधे और जानवर मुख्तलिफ हैबिटेट्स में रहते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 27। आ फील्ड इज़ द नेचुरल हैबिटेट फॉर अ रेंज ऑफ लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग बटरफ्लाइज ग्रास माइस एंड फ्लावर्स। एक फील्ड एक कुदरती जगह है, एक ऐसा ही जगह है जहाँ पर तमाम जिंदा चीज़ें जिनमें बटरफ्लाइज ग्रास माइस और फ्लावर्स शामिल हैं रहते हैं। जैसे कि यहाँ आपको ऊपर डायग्राम में दिखाया गया है, बटरफ्लाइज भी फ्लावर्स भी एनिमल्स भी और माइस भी। द प्लांट्स इन अ फील्ड आर अडेप्टेड ग्रो इन लॉट्स ऑफ लाइट। पौधे भी इस जगह पर रोशनी इस्तेमाल करते हुए बढ़ते हैं। द एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग इन अ फील्ड टू, और जानवर भी इसमें रहते हैं। दे आर स्मॉल एंड कैन हाइड फ्रॉम लार्जर प्रीडेटर्स। ये छोटे होते हैं और अपने आप को दूसरे बड़े शिकारी जानवरों से छुपा सकते हैं, सच एज बर्ड्स जैसा कि परिंदे
एंड फॉक्सेस और लोमड़ियाँ. मैनी ऑफ देम, इनमें से बहुत से डिग बरोज और लिव अमंग प्लांट्स, पौधों के पास ज़मीन खोदकर रहते हैं. अ लार्ज वाइल्ड एनिमल सच एज अ लायन वुड नॉट फाइंड इनफ फूड टू ईट इन अ फील्ड. और बड़े शिकारी जानवर, जंगली जानवर जैसा कि शेर, अपने लिए ज़्यादा खुराक को तलाश नहीं कर पाता. अ लायंस नेचुरल हैबिटेट इज़ अ मच लार्जर एरिया. एक शेर का जो कुदरती इलाका है जिसमें वो रहते हैं ज़्यादातर, वो बहुत बड़ा होता है. दैट इंक्लूड्स ग्रासलैंड, जिसमें ग्रासलैंड है, स्मॉल क्लब्स ऑफ ट्रीज, दरख्तों के झुंड एंड रॉक्स और चट्टाने हैं. दे कैन हाइड, वो अपने आप को छुपा सकते हैं. देमसेल्व्स इन दीज एरियाज, अपने आप को इन इलाकों में. व्हेन दे हंट देयर प्रे, जब वो अपना शिकार करते हैं. अदर लार्ज एनिमल्स सच एज डियर एंड बफलोज, दूसरे बड़े जानवरों का जैसा कि डियर एंड बफलोज. लाइंस हैव शार्प टीथ एंड क्लाउज टू हेल्प देम हंट, शेरों के तेज़ नुकीले दांत होते हैं और जो कि उनको शिकार करने में मदद करते हैं. हेयर आर सम ऑफ द मेन हैबिटेट्स इन द वर्ल्ड विथ सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन देम. यहाँ पर कुछ हैबिटेट्स दिखाए गए हैं दुनिया के, जहाँ पर पौधे और जानवर रहते हैं. फर्स्ट हैबिटेट पोलर रीजन, यहाँ पोलर रीजन और उसके एनिमल्स दिखाए गए हैं, जिनमें पोलर बियर, पेंगुइन, वोल्फ, फॉक्स वगैरह हैं. आप देख रहे हैं यह डायग्राम्स में दिखाए गए हैं. नेक्स्ट हमारे पास हैबिटेट है डेजर्ट सहरा, जहाँ पर सहरा के जानवर रहते हैं, जिस तरह से स्नेक, फॉक्स, लिजर्ट, कैमल, ये भी एक हैबिटेट है. थर्ड हैबिटेट है सी यानी समंदर, यहाँ समंदर में रहने वाले जानवर दिखाए गए हैं, जिस तरह डॉल्फिन, फिशेस होती हैं, वेल होती है, टर्टल वगैरह. इसी तरह रिवर्स एंड लेक्स, दरिया और नहरें, यहाँ पे भी मुख्तलिफ किस्म के जानवर रहते हैं, लाइक फिश, डक, स्वान, फ्रॉग एटेक्स्ट्रा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 29. लास्ट हैबिटेट दिखाया गया है फॉरेस्टेस, यानी जंगल, जंगल में रहने वाले तमाम जानवर, जिसमें आप देख रहे हैं मंकी, टाइगर, लाइन, एलिफेंट सब होते हैं. ये पांच मुख्तलिफ किस्म के हैबिटेट्स हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म की जानदार अशिया रहती हैं. लिविंग थिंग्स आर अडेप्टेड, जानदार अशिया अपने आप को मौजू बनाती हैं टू द हैबिटेट, अपने इलाके, अपने माहौल के लिए. इन विच दे लिव, जिनमें वो रहती हैं. अडेप्टेशन इज़ द वर्ड वी यूज टू डिस्क्राइब हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अडेप्टेशन यानी मुनासबत, वो लफ्ज़ है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं पौधों और जानवरों को के बारे में बताने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए. हैव डिवेलप्ड स्पेशल पार्ट्स, जो कि अपने आप को मौजू बनाते हैं मुख्तलिफ स्पेशल हिस्सों के ज़रिए. डैट हेल्प देम, जो कि उनकी मदद करते हैं टू फिट इन टू द एनवायरमेंट, उनको माहौल में एडजस्ट होने में मदद करते हैं. डिस्कस एंड आंसर, हाउ हैव द फॉलोइंग एनिमल्स अडेप्टेड, कैसे जानवर अपने आप को माहौल के लिए मौजू बनाते हैं. वेयर डू दे लिव, जहाँ वो रहते हैं. टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी विच दे हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट्स, इनके जिस्म के उस हिस्सों के बारे में आप बात करें जो कि इन्हें इनके माहौल में, इनके एनवायरनमेंट में ज़िंदा रहने में मदद देते हैं. यहाँ नीचे आपको कुछ एनिमल्स दिखाए गए हैं जिनके बॉडी पार्ट्स हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, जो कि उनको उनके एनवायरनमेंट में रहने के लिए हेल्प करते हैं. आपने इसको डिस्कस करना है
ये सिर्फ डिस्कशन का पार्ट है जिसे आपने अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है. नाउ टर्न योर बुक पेज, दिस इज योर बुक पेज नंबर 30 and 31. पेज नंबर 30 पर आपको कॉन्सेप्ट चेक दिया गया है. मैच द डेफिनेशन विद द वर्ड, राइट देम आउट इन योर बुक. यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ये देखें, यहाँ पर आपको उनकी डेफिनेशंस दी गई हैं जिन्हें आपने मैच करना है. अब हम इनकी वर्ड्स की डेफिनेशन को मैच करते हैं. फर्स्ट वर्ड है हैबिटेट. अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कहाँ पर है. यहाँ देखिए आप, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इन टू एंड आउट ऑफ द बॉडी. ये हैबिटेट नहीं है. नेक्स्ट हमारे पास है द नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच अ पर्टिकुलर एनिमल और प्लांट लिव्स. ये है हमारे हैबिटेट का राइट आंसर. तो आप साइड पर यहाँ वन सर्कल में लिखेंगे. सेकेंड है एडेप्टेशन, इसका राइट आंसर आप देखें. डिस्क्राइब्स व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डेवलप्ड स्पेशल पार्ट्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर एनवायरनमेंट. ये आपका सेकेंड का आंसर है. यहाँ आप सर्कल में टू लिखेंगे. थर्ड है हमारे पास ब्रीथिंग, इसका राइट आंसर है. ये देखें टॉप पर, दिस इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इन टू एंड आउट ऑफ द बॉडी. ये थर्ड है. यहाँ आपने थ्री लिख कर सर्कल करना है. लास्ट हमारे पास पॉइंट फोर है रिप्रोडक्शन, इसका राइट आंसर है. द प्रोसेस बाय विच पेरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग. यहाँ आप सर्कल में फोर लिखेंगे. आपने मैचिंग नहीं करनी है, आपने बिल्कुल इस तरह से नंबरिंग करनी है साइड पर जैसे आपको मैंने यहाँ बुक में दिखाई है. कॉन्सेप्ट चेक का पॉइंट कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट टॉपिक है इकोसिस्टम्स, माहौली निज़ाम. इकोसिस्टम के बारे में मैं आपको पहले बता दूँ, ये वो माहौलियाती बुनियादी इकाई है जो गैर ज़रूरी माहौल के साथ ताल्लुक करने वाले मुख्तलिफ़ इजसाम यानी मुख्तलिफ जानदार के ग्रोह पर मुश्तमिल होता है. यानी किसी भी माहौल में रहने वाले मुख्तलिफ जानदार मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर टू सर्वाइव. पौधे और जानवर एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं जिंदा रहने के लिए. दे हैव अडेप्टेड टू लिव विद ईच अदर. ये अपने आप को एक दूसरे के साथ रहने के लिए मुनासिब बनाते हैं, मौजू बनाते हैं एंड इन देयर एनवायरनमेंट और अपने इन देयर हैबिटेट और अपने हैबिटेट में रहने के लिए. द लिविंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर प्लेस, तमाम जानदार अशिया एक ख़ास इलाके में इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, ताल्लुक़ भी रखती हैं एंड विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट्स और अपनी गैर जानदार अशिया के साथ भी, जैसे वेदर, अर्थ, सन, सॉइल, क्लाइमेट एंड एटमोसफेयर. दिस इज कॉल्ड एन ecosystem. ये तमाम चीज़ें मिलकर ecosystem बनाती हैं. इन एन ecosystem, ecosystem में माहौलियाती निज़ाम में ईच लिविंग थिंग, हर जिंदा चीज़ हैज़ इट्स ओन स्पेशल रोल टू प्ले. इसका एक अहम किरदार होता है जो कि वो पूरा करती हैं. एन इकोसिस्टम, यहाँ आपको एक इकोसिस्टम की डायग्राम दिखाई गई है जिसमें आप देखें प्लांट कम्युनिटी भी है, हैबिटेट भी है, वेदर भी है, डिज़ास्टर, सन एंड सॉयल. ये तमाम चीज़ें मिलकर एक इकोसिस्टम बना रही हैं, माहौली निज़ाम बना रही हैं और ये तमाम चीज़ें कोई ना कोई किरदार अदा कर रही हैं. इन तमाम चीज़ों के रोल प्ले करने से इकोसिस्टम बन जाता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. इकोसिस्टम्स, माहौलियाती निज़ाम कैन बी इफेक्टेड, असरअंदाज हो सकते हैं इफ़ अ न्यू प्लांट और एनिमल इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन टू देम. अगर कोई नया पौधा या नया जानवर इसके अंदर आ जाए, द न्यू अराइवल कैन पुश अदर्स आउट एंड दिस कैन अफेक्ट द लिविंग थिंग्स डैट डिपेंड ऑन देम. जब कोई भी नई चीज़ किसी भी हैबिटेट में आ जाती है, किसी भी इकोसिस्टम में आ जाती है, तो वो दूसरी चीज़ों को जो कि उस इकोसिस्टम में इन्हिसार कर रही होती हैं असरअंदाज करती है.
Ecosystems can also be disrupted by natural disaster. Maholiyati nizam tabah ho sakta hai kisi bhi kudarti tabahi se, such as storm, jis tarah ke tufaan, floods, fires and volcanic eruption. Silab, aag ya aatishfishani amal se. इसका मतलब है कि इकोसिस्टम कभी भी तबाह हो सकता है किसी भी किस्म के तूफ़ान, वॉल्केनिक इरप्शन से, या फ्लड या स्टॉर्म वगैरह से इकोसिस्टम में तब्दीली आ सकती है. सम एनिमल्स आर एक्सटिंक्ट, कुछ जानवर मदूम हो गए हैं या नापायद हो गए हैं. एक्सटिंक्ट मीन्स दैट दे नो लॉन्गर एग्जिस्ट. एक्सटिंक्ट का मतलब है कि वो जानवर जो अब मजीद नहीं पाए जाते. द डायनासोर्स बिकेम एक्सटिंक्ट लॉन्ग अगो. यहाँ तक कि डायनासोर्स भी बहुत साल पहले, बहुत ही अर्सा पहले नापायद हो गए हैं. सम एनिमल्स बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू द एक्शंस ऑफ ह्यूमन. कुछ जानवर इंसानों के अमल की वजह से नापायद हो गए हैं. द डोडो, a flightless bird, was hunted until no more remained. जैसे कि डोडो, flightless bird, शिकार होने की वजह से अब बाकी नहीं रहे. कुछ जानवर ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो कि अब इंसानों के अमल की वजह से, माहौल की वजह से, क्लाइमेट की वजह से नापायद हो गए हैं, अब नहीं हैं. हाउ ह्यूमंस अफेक्ट एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट. किस तरह इंसान जानवरों और उनके हैबिटेट को असरअंदाज करता है. ह्यूमंस कैन डिस्ट्रप्ट हैबिटेट्स बाय चेंजिंग देम. इंसान हैबिटेट्स को तबाह कर सकता है उन्हें तब्दील करके. दिस इन टर्न कैन डिस्ट्रप्ट अ होल इकोसिस्टम, जिससे पूरा इकोसिस्टम तबाह हो सकता है. इकोसिस्टम कैन वेरी इन साइज, दे कैन बी वेरी स्मॉल लाइक अ पर्डल, और वेरी लार्ज लाइक अ फॉरेस्ट. इकोसिस्टम डिफरेंट साइज के होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, जिस तरह से एक पानी का, गंदे पानी का छोटा सा गड़ा, या फिर बहुत बड़े होते हैं जैसा कि जंगल. व्हेन लैंड इज क्लियर्ड इन ऑर्डर टू बिल्ड अ हाउस, जब किसी ज़मीन को घर बनाने के लिए साफ किया जाता है. दिस कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो बहुत बड़ी तादाद में जानवर और पौधे मुतासिर होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर स्मॉल एनिमल्स, छोटे जानदार जानवर लूज देयर होम्स, अपने घर खो देते हैं. एंड देयर सोर्स ऑफ फूड, और अपने खुराक का ज़रिया. दे नीड टू फाइंड फूड एंड शेल्टर, उन्हें फिर खुराक और अपने लिए रहने की जगह तलाश करनी पड़ती है. एल्सवेयर, कहीं और, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, ज़िंदा रहने के लिए. यहाँ हमने पढ़ा कि अगर कोई घर तामीर करने के लिए इंसान उस जगह को खाली करते हैं जहाँ दूसरे जानदार रहते हैं, तो वो बुरी तरह मुतासिर होते हैं, उनके घर वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, फिर उन्हें दूसरे घर ढूंढने पड़ते हैं, और इस तरह एक इकोसिस्टम मुतासिर होता है. Now turn your book page. This is your book page number 32. Discuss and answer. Discuss this picture. How is the ecosystem being disrupted? Which animals and plants will be affected? यहाँ कुछ डायग्राम्स दी गई हैं जिनमें आपने देखना है कि इकोसिस्टम किस तरह से तबाह हुआ है, किस वजह से तबाह हुआ है, और कौन कौन से जानवर और पौधे इसकी वजह से असरअंदाज हुए हैं. यह आपका होम टास्क है जिसे आपने अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है. इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सम ऑफ एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट. पाकिस्तान में बहुत से जानवरों को बाकी ना रहने का, ख़त्म हो जाने का ख़तरा है. दीज इंडेंजर्ड एनिमल्स, ये ख़तरे में हामिल जानवर जिन्हें ख़तरा है, नीड आवर हेल्प, हमारी मदद की ज़रूरत है. टू प्रोटेक्ट देम, उनको महफूज करने के लिए. पाकिस्तान में अब बहुत से जानवर ऐसे हैं जिनके नापायद होने का ख़तरा है,
जिनको हम महफूज करके उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। नीचे आपको कुछ एनिमल्स दिखाए गए हैं जिनमें माउंटेन शीप, एशियन ब्लैक बेयर, माउंटेन विसल, फॉरेस्ट डोरमाउस वगैरह शामिल हैं जिनके ख़त्म हो जाने का ख़तरा है। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 लिविंग ऑन अर्थ की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।